बिजनेस कर ले यार। और सही बताऊं तब आया था तो मेरी कंपनी में कोई व्यक्ति मिलता नहीं था किसको जोड़ू। और मैं 4 साल पहले जब आया था छत्तीसगढ़ रायपुर में, मैं एक व्यक्ति के लिए पागल कुत्ते की तरफ भागता था, क्योंकि कंपनी शुरू की थी हमने तब, वो मिलता नहीं था। कसम से आगे पानी आराज की आपकी तो मैं कहीं समझता हूं, आपके दौर से गुजरा हूं, पर शायद आप मेरी नहीं समझ पाएंगे दोस्त इस दौर से मैं गुजरा हूं। एजलिव इस कंपनी हमने शुरू की, कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इस गुरु लोगों ने। आपको तो लोग मजाक करते होंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे। हमें तो लोग मजाक करते थे कंपनी चलेगी सारे बर्बाद हो जाओगे सारे फौजी पागलों ने कंपनी खोल ली है। पर यार कसम से आप पागलों को लोग इतना प्यार कर सकते हैं, हमने कुछ जिंदगी में सोचा नहीं था भाई। पांच साल पहले हमने कंपनी शुरू की यार, मैं स्पीच भूल गया मैंने क्या बोलना है, मैं स्पीच नहीं पता मेरे को क्या आज। या तुम बहुत बड़े जादूगर लोगों को कसम से दिमाग खराब कर दिया। मेरे को बात याद आ रही है, 5 साल पहले हमने कंपनी जब शुरू की थी, हमने कुछ अजीब किस्म से नेटवर्किंग शुरू की। नेटवर्किंग हम क्या कर रहे हैं क्या, ये बाद में बात करूंगा। पहले एक बात मुझे याद आ गई, बड़ी बहुत बड़ी बात है ये। हमने जब कंपनी की शुरुआत की तो हमने आयुर्वेद को बेस बनाया। आज तक हिंदुस्तान की ये चेन सिस्टम जो बिजनेस है जिससे लोग दूर भागते हैं, जोड़ो इसने उसको जोड़ा, उसने इसको जोड़ा, 2 के 4, 4 के 8, इस धंधे से लोग हमेशा दूर भागते आए हैं। और जो आज स्टेज पे आए हैं वो भी कोई जुड़ना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती लोग पकड़ के लेकर के आए हैं, पता नहीं जैसे तैसे लोग यहां तक पहुंच गए। हमने जब कंपनी शुरू की, हमने आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाए तो बड़ी एक अच्छी सोच अच्छी नियत के साथ सब लोगों ने कंपनी के प्रोडक्ट बनाए थे, और हमें लगा यार अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, लोग भाग भाग के आएंगे। पर जब हमने लोगों को प्रोडक्ट दिया तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक लोगों ने लोगों को लालच दिखाया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक लोगों ने जब इंडस्ट्री में काम किया पिछले 26 साल से, तो लोगों ने हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, गाड़ियां चलाई हैं, बंगले बना के दिखाए हैं, और टेबल पे खड़े खड़े व्यक्ति को करोड़पति बनाया है, और लोगों से गाय भैंस तक बिकवा डाली हैं, ट्रैक्टर ट्रोलियां बिकवा डाली हैं, बजायक बंगले बनने के साले कर्जे में ला के छोड़ दिया हिंदुस्तान में लोगों को यार, कर्जे में ला के छोड़ा है कसम से। एक ऐसा इंसान इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता जिस व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं होती दुनिया में कुछ बड़ा काम करने का, जिसके पास बहुत बड़ा फैमिली बैकअप होता है वो व्यक्ति धंधा कोई भी कर सकता है। जिसके पास सुशांत भाई की तरह बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक अच्छी डिग्री होती है, वो इंसान कहीं भी जॉब करके कहीं भी 50,000 लाख महीना कमा सकता है। एक व्यक्ति एक तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कहीं भी गेम खेल के अपना शरीर से अपना कहीं भी प्रदर्शन करके पैसे कमा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्सनैलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, शकल के नाम पे बस एक ढांचा है, जिसको खुद की घरवाली देखना पसंद नहीं करती है, और पैदा करने के बाद इसका बाप उसको देखना पसंद नहीं करता है, रोज काली सुनत आराम जल्दी औलाद नहीं कमी पैदा हो गई है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं होती है, स्कूल का फेलियर है, घर खानदान का फेलियर है, जिंदगी का फेलियर है, जो खुद जीने से ज्यादा कई बार मरने की सोचता भगवान उठा ले तो बेहतर है। एक ऐसा इंसान जो 84 लाख जीवन में इंसान के रूप में पैदा होने के बाद मर जाने की इच्छा करता है यार, एक ऐसा व्यक्ति अपने आप को धरती में बज मानता है, ऐसे किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा मिलता है कि यार तू भी पैसा कमा सकता है, तू भी मेहनत कर सकता है, तू इंसान बड़ा बन सकता है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बनी है, लेकिन ऐसे आम लोगों को भी लोगों ने इतने झूठे झूठे वायदे करके लूटा है। यार मैं भी लूटा हूं, मेरी सेकंड कंपनी है बेलम की है,
जान लगा के मेहनत किया था भगवान के सामने जिंदगी का अपनी का नौकरी तक छोड़ दिया था जिंदगी में, क्या दिन देखा ना जिंदगी में, रात देखा लाइफ के 4 साल, क्या शादी होती, क्या संडे, क्या दिवाली, हमने कभी जिंदगी मनाया नहीं था क्योंकि यार लाइफ में मौका मिला था। पहली बार किसी ने हमें लाखों रुपए कमाने के लिए पूछा नहीं कि तेरी जाति क्या है, ये तो चपरासी बनने के लिए बिना जाति दिखानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है मेरे दोस्त। पहली बार जिंदगी में किसी ने मेरे से सर्टिफिकेट नहीं पूछा जिंदगी में, जितना चरित्र प्रमाण पत्र ला के दे, क्योंकि हमारा चरित्र बढ़िया था ही नहीं, हम सारे स्कूल के भगोड़े, क्योंकि हमारी हाजिरियां पूरी हुई नहीं है, तो चरित्र प्रमाण पत्र तो पहले बिगड़ा पड़ा है साला, चरित्र क्या, हम तो खुद ही बिगड़े पड़े थे जिंदगी के अंदर, अब किसी ने पूछा नहीं, पहली बार लगा यार यही तक मौका मिला जहां नाम से चरित्र पूछा है, ना सर्टिफिकेट मांगा है और ना किसी ने हमारा इंटरव्यू लिया, क्यों, क्योंकि हम कभी जिंदगी में इंटरव्यू पास हुए ही नहीं है। तो सुन भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ यार, हमने तो कभी जिंदगी में इंटरव्यू नहीं दिए भाई मेरे, सही है, इंटरव्यू क्या, हमारा तो पेपर किसी और ने दिए है, मेरे तो पेपर ही किसी और ने दिए हैं, मैं तो 12वीं क्लास किसी और भाई के दम से पास हुआ हूँ, शुक्र हो गया, लेकिन सर्टिफाइड हूँ आज के दिन में, नाम मेरा ही है, नाम मेरा ही है 12वीं क्लास के बाद से। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं यार, बहुत सारे क्या, ये सारे तुषार जैसा तो इक्का दुक्का व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, बाकी 90% लोग मेरे जैसे बैठे हैं यार यहाँ पे, जिनके घर में घर की जगह घर नहीं है और चारपाई की जगह सारी चारपाई नहीं है, और माँ के साथ हालत इस कदर हमारी आपकी है, जब कपड़े खुद के नहीं है, बड़े भाई का पाजामा काके कच्चा बना के हमें पहनाया गया है, वो लोग यहाँ बैठे हैं यार। बात बुरी लगे दोस्त मेरे, माफी चाहूंगा और आप मुझे माफ करेंगे, मेरे पास माफी लेने के 3 लाइफलाइन है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं हर बार माफी पा जाता हूँ, आपको भी करना पड़ेगा मुझे माफ। पहले बोलता किसी भाई को बात मेरी बुरी लगे तो पहले ही माफ कर देना, नंबर एक मैं माफी के लायक हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो मुझे गलती करने का हक है, पैदा इसी में क्या करूँ यार, और नंबर तो मैं हरियाणा से 8 हूँ 16 हूँ 8 हूँ, तो वैसे ही बेदिमाग हूँ, आप सारे समझदार हैं बाकी सब समझते हैं, सही है। और तीसरी बात यार, फौजी आदमी का दिमाग, यहाँ तो होता नहीं फौजी का तो दिमाग, सही है, तो कोई बात बुरी लगे, अगर किसी को बात बुरी लगे हालात में हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, पर बुरी लगे तो 3 बार सोचना यार, हरियाणा का जाट फौजी बेदिमाग का साला, छोड़ो यार, लगे तो पर सच्ची लगे ना दोस्त मेरे, और सच्ची है क्योंकि मैं अभी के बीच से हूँ, ये तो ठीक है धंधा, बताऊंगा अभी कैसे मौका मिल गया, नाम से पहले टॉप नाम लग गया, तो सुशांत भाई कभी सेकंड नहीं आया और हम साले कभी लाइफ में टॉप ही नहीं आए, उल्टी जोड़ी हमारी आपके सुशांत जी, बहुत पुराने गहरा हमारा आपका जिंदगी में, ये कभी सेकंड नहीं आया और आपकी जिंदगी पहले नहीं आए, लक बाई चांस मौका है ये यार। बड़ी तकलीफ होती है सुन के, लोगों ने 15-15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, 12-12 साल दिए हैं, उम्मीद करके आए थे करोड़ों बनाएंगे, पर कई करोड़ों के कर्जे में जिंदगी जी रहे हैं, हमने कंपनी शुरू की, ऐसे ऐसे वायदे लोगों से किए गए हैं, ऐसे ऐसे आइटम लोगों से बिकवाए गए हैं जो दुनिया में है ही नहीं, हवा बेच बेच करके पैसा अंदर कराया गया है। हम कई बारी, हम जब लास्ट टाइम सिस्टम ने छोड़ा, हम और संजीव सर मामता जी बात करते थे, बात क्या, हम तो रोते थे यार, जिंदगी में किसको कौन लूट रहा है, किसको कौन लूट रहा है, वही बंदा लूट रहा है तो उसी के बीच का है, सब दुख तकलीफ वाले नेटवर्किंग करते हैं और बेवकूफ भी उसको बनाते हैं जो दुख तकलीफ में ही रहता है, सही है। अल्लाह लूटना तो किसी बड़े को लूटो यार, कम से कम बताने में खुशी, मैंने फलाने को लूटा है, मरे को मारने में कहाँ मजा आता है मेरे दोस्त, अल्लाह किसी ऐसे को तो मारो जो तुमसे ज्यादा दम रखता, उसको मार के बताने में खुशी होती है, मैंने फलाने को मारा, ये सुन लो, हमने कंपनी शुरू की भाई, हम हिंदुस्तान के नहीं, ऐसे भी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जहां लालच दिखता था, जहां कार दिखती थी, जहां सपने दिखाए गए थे और सरेआम बेवकूफ बनाया गया था, उस इंडस्ट्री में दुनिया की पहली कंपनी ऐसे भी बनी है जहां हमने अपने प्रोडक्ट के सैंपल को फ्री यूज कराए हैं, अच्छा लगे आओ, ना लगे डिब्बा फेंक के जाओ। पहली बार मेरे दोस्त आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमने काम शुरू किया, बड़ी शिद्दत से काम शुरू किया, कुछ बड़े महान महान लोग आए, मेरे से मिले, बात हुई, तो बड़ी तकलीफ होती इस बात को याद करके भी, लोगों ने डिब्बे भी पिए, रिजल्ट भी मिला,
अच्छा भी लगा और बोलने आए कि कंपनी ना चलेगी तुमसे। क्यों भाई, क्यों ना चलेगी हमसे? बोला यार सच के साथ अच्छा आइटम बेच के कौन पैसा कमा पाया है? पैसा कमाना है तो मिलावट करनी पड़ती है, और पैसा कमाना है तो झूठ बोलना पड़ता है, और पैसा कमाना है तो दुनिया को बेवकूफ बनाना पड़ता है। सच के साथ बंदा कच्चे में मरता है, और दिखावटी बंदा इंसान दुनिया बड़ा बनता है। अरे बड़े बड़े लीडर छोड़ के चले गए कि तुम किसी लीडर को हायर नहीं करते हो, चल नहीं पाओगे, 6 महीने बर्बाद हो जाओगे। यार आपको तो लोग ये बोलते होंगे ना, भाई साहब तेरा काम नहीं चलेगा। हमें तो लोग बोलते तुम बर्बाद हो जाओगे, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कसम से मन तो करता था किसी आराम करो पकड़ के 5वें फ्लोर से नीचे फेंक दूं, क्या करूं। लेकिन भाई भी जमा सही है, बहुत लोगों ने बोला कहाँ कंपनी चलेगी, कंपनी के डायरेक्टर फौजी है, इनमें कोई बंदा ग्रेजुएट नहीं है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, कोई कंप्यूटर का मास्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंग्लिश का जानकार नहीं है। लकीली कंपनी का पहला व्यक्ति बन गया मैं। एक दो जगह ट्रेनिंग मीटिंग हुई तो वापस में कमेंट आए, ले भाई ये कंपनी का ट्रेनर है जिसकी हिंदी क्लियर नहीं है, और ये कंपनी का ट्रेनर है जिसमें इंग्लिश का और भी नहीं पता है। तो कंपनी की फर्स्ट फेस ही ये है, तो आगे कंपनी की हालत क्या होनी है। मेरे दोस्त दुख होता था, पर रेल बताऊं 5 साल का वो दुख और 5 साल की वो तकलीफ। भाई रायगढ़ वालों तुमने ना कसम से यार साला आंसू में बहा दिया कि यार हमें भी प्यार मिल रेल यार रेल ही भाई छत्तीसगढ़ को रेल ही मेरा सलूट है, कसम से आई लव यू आप सबको, दिल से बोल रहा हूँ दोस्त मेरे। मुझे नहीं पता हुनर क्या होता है, क्वालिटी वाले लोग क्या होते हैं और पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, पर एक बात 5 साल से हम करके चल रहे हैं, और आज आपसे वायदा कर रहा हूँ मेरे दोस्त, अपने को जो आता है मैं कसम खा के बोलता हूँ, जिंदगी के 24 आवर्स हर दिन लगातार पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, आगे भी करते रहेंगे। और जो हम किसी व्यक्ति की तरक्की में अगर साथ दे सकते हैं, अरे जब जहाँ जरूरत पड़े आपको हमारी, कोई रैंक नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई घमंड कोई को नहीं है। अगर आप बोलो धंधा नहीं चलता सर आपकी जरूरत है, अगर मेरे आने से काम चल सकता है, अगर मेरे बात करने से काम बढ़ सकता है, अगर मेरे मीटिंग करने से किसी का चेक बन सकता है, मां कसम करता हूं आज भी जब एक इंसान किसी इंसान की तरक्की का साथी बनता है। अरे डायलॉग तो दुनिया मारती है ना भाई मेरे, यूट्यूब पे बड़े बड़े ट्रेनर बैठे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेनर बैठे हैं, पर किसी के साथ जाके सहयोग नहीं करते तरक्की में। इसलिए लोग सुनते हैं दिमाग से पर नहीं मानते हैं दिल से। और जब इंसान इंसान का साथ देता है, घर घर जाकर के क्राउड में घिसता है, तो इंसान मानता है दिल से। और ये प्रमाण मेरे दोस्त आपने दे दिया हमारे को, दे दिया हमारे को, रियली में कसम से आप हमारी एनर्जी हो, हमारा जज्बा, हमारा जोश आप हो। लोग जुसान जी सोचते हैं कि शो करेंगे, कंपनी ट्रेनर को बुलाएंगे, लोग मोटिवेट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता मोटिवेट होते नहीं होते हो, पर भगवान कसम मैं जरूर मोटिवेट होता हूँ किस प्यार से, मेरे एनर्जी का लेवल ही अपने प्यार साथ है। बहुत दोस्तों को मजाक लगाऊंगा आज का प्रोग्राम, कई सारे दोस्त मेरे चले भी गए हैं, मजाक लगाऊंगा, चाहते हैं उनकी गलती नहीं है, उन्होंने हमें बाहर से देखा है कोट पैंट टोप टाई में, उन्होंने बिजनेस को बाहर से देखा है, एक लेफ्ट और एक राइट दो ही तो लेग है मेरे दोस्त, ना वो अंदर से हमें देख पाए और ना अंदर से बिजनेस को समझ पाए। आप बैठे हो, रुके हो, समझ के और जान के जाइए। अगर एक भी व्यक्ति के मन में एक ख्याल आता कि काम गलत है और कंपनी गलत है, स्टेज से वायदा कर रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आपने ज्वाइन भी कर लिया है तो दुखी नहीं होना, फंस गया हूँ। अगर एक भी व्यक्ति के 20 मिनट के बाद अंदर से विचार आए कि गलत जगह आ गया हूँ, गलत काम में आ गया हूँ, गलत कंपनी में आ गया हूँ, शायद गलत जगह फंस गया हूँ, मेरे दोस्त स्टेज से वायदा कर रहा हूँ स्टेज उतरने के बाद मिल करके जाना, अपनी ज्वाइनिंग आईडी का अमाउंट लेकर के जाना। कतई वो काम नहीं करना चाहते कि साला वो मुझे उठाए, हम भी कभी छोड़े थे इसलिए इस कंपनी में बर्बाद हो गए, ये शब्द नहीं सुनना चाहते, खून लगा देंगे, जान लगा देंगे आपके साथ में। हम एक ही बात सुनना चाहते हैं, भाई कभी सिर्फ इस कंपनी में आए थे और जिंदगी में आए थे आकर ही रह गए, कंपनी में आए थे कंपनी के होकर रह गए, पूरी जिंदगी यहीं पे काम करेंगे, इस ईमानदारी से हम काम करते हैं। अगर अंदर से आवाज है काम अच्छा नहीं है, अपनी आईडी के और अपनी टिकट के पैसे लेकर के जाइएगा दोस्त मेरे, लेकिन 20 मिनट सुन के जाइएगा पहले भी, 20 मिनट सुन करके जाइएगा, सही है। बहुत सारे लोगों को लगता है, कई सारे लोग प्रोग्राम में आते हैं हमारे में,
मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम देखे हैं, बड़ी बड़ी स्पीच भी सुनी है लोगों की, ठीक है। मैं स्पीकर नहीं हूँ, ट्रेनर नहीं, मोटिवेटर नहीं, 12 बस व्यक्ति हूँ भाई, रहने वाला हरियाणा से हूँ। एजुकेशन भाई कुछ नहीं आता, जैसे जैसे पास हूँ, आप समझिए पास में कैसे हूँ। कबड्डी से भर्ती फौज में, अगवाई चांस करवा देगी, मेहरबानी से इंडिया टीम खेलने का मौका मिला पर हमने गवा दिया। हम बड़े हरामदादे किस्म के लोग थे कभी थे तब राज नहीं है, सही है। मौके सबके लाइफ में आते हैं, कभी मौका हमें नहीं समझता और कभी मौके को हम नहीं समझते। जब मौका हमें और हम मौका समझ जाए तो दुनिया में हर व्यक्ति बड़ा कारनामा कर सकता, बड़ा इतिहास बना सकता है, और ये अपने साथ भी हुआ, सही है। तो पहली बात समझिए, काम अगर आपके अंदर से विचार आता है, फर्स्ट बहुत सारे दोस्त यहाँ सोचते हैं कि कोट पेंट टाई पहन के आए हैं, नाचेंगे, डांस करेंगे, बड़े बड़े डायलॉग मारेंगे। मैं साइकिल पे था, मैं जगुआर में आ गया, मैं तो कर्जे में था, मैं करोड़ में आ गया। ये हमारे जितने लीडर्स की स्पीच है ना, ये सामने आने वाले पब्लिक को बड़ी बनावटी लगती है, बड़ी झूठी लगती है। हकीकत में लोग हमारे प्रोग्राम से मोटिवेट होने के बजाय डिमोटिवेट होकर हमें मजाक समझ के जाते हैं, अरे सारे झूठे हैं। मेरे दोस्त, झूठा एक भी नहीं है, ये हकीकत है कि जितने लोग बैठे ना फ्रंट रो में, ये सारे कर्जे के मारे हुए लोग हैं। जितने बैठे फ्रंट रो में, ये सारे किस्मत के मारे लोग हैं। जितने स्टेज पे हाथ के डायलॉग मारते हैं ना, वो रियल में मोहताज थे, एक एक पैसे के। घर वाले बिलीव नहीं करते थे, खुद की औलाद विश्वास नहीं करती थी। ये रियल बदलाव हुआ, व्यक्तियां बिलीव नहीं कर पाते, उसका कारण है। फिर आने वाले कुछ लोग जिन्हें हम पकड़ के लाते हैं, आप भी कुछ लोग आए होंगे जो आए नहीं है लाए गए हैं, आए नहीं है लाए गए हैं। कुछ ने बोला भाई मैं छोटी ना पीछे दो टिकट के, तो हमारे लोगों ने बोला चल यात्रे 500 मैं ही दे लूंगा, टिकट 500 की है पर तू चल ले। अब 500 भी दिए, नाश्ता भी कराया है, खाना भी खिलाएंगे, फिर भी नखरे, मैं तो जा रहा हूँ लेकर भाई सब। भाई मान जा, थोड़ी देर और बैठ जा। मैंने मैं नहीं बैठा, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। लगता है हर आने वाले व्यक्ति को लगता है कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम पैसा लगाएं। हर होल में आने वाले को लगता है कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि अपना काम छोड़ के इस काम में आए। मेरे दोस्त, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो रियली बिल्कुल गलत महसूस हो रहा है। मैं तो खुद ही ट्रेनर नहीं, मुझे कुछ खुद ही नहीं आता, मैं क्या मोटिवेट करूँ। और एक बहुत बड़ा भ्रम होता है एक वक्ता का, जो स्टेज से स्पीकर स्पीक करता है, बोलता है, उसे लगता है मैं मोटिवेट कर दूंगा। मेरे दोस्त, एक बड़ी कमाल की बात समझिएगा, एक इंसान को इंसान मोटिवेट कर ही कब पाता है, इंसान इंसान से मोटिवेट होता ही नहीं है। अगर सही मायने में इस प्रोग्राम में आजा मोटिवेट हो जाते, अगर अच्छे को अच्छा देख करके, सही को सही समझ गए और सही को सही फैसला कर पाते और हम मोटिवेट हो पाते, तो भाई मेरे आज जसने क्या आगाजे रायगढ़ की जरूरत नहीं थी, सुशांत भोए के बोलने की आवश्यकता नहीं थी, ऋषि राम साहु जी के बोलने की जरूरत नहीं थी, विकास जायसवाल की बात करने की जरूरत नहीं थी, और मेरी तो कतई जरूरत नहीं है कसम से। अगर मोटिवेट इंसान होता तो मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर, सबसे बड़ा ट्रेनर आप सबके घर में छुपे हुए हैं।